हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग हिंदी व्याकरण में भाषा व लिपि से संबंधित 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को लगाने वाले हैं। दोस्तों, ये ऑल टेस्ट और सुपर टेस्ट सभी एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं। दोस्तों, आप भी लगाइए और देखिए कि कितने क्वेश्चन आपसे बनते हैं। मैंने और भी वीडियोज़ बनाए हुए हैं, आप नीचे दिए हुए आज़ाद स्टडी चैनल के इस आइकन पर जब आप क्लिक करेंगे तो वहां से प्लेलिस्ट पर जाकर आप सभी वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आगे आने वाले नोटिफिकेशन आपको समय से मिलते रहें। तो ठीक है दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हिंदी शब्द। हिंदी का शब्द किस भाषा से लिया गया है ये बताना है। ए संस्कृत, बी हिंदी, सी अरबी, डी फारसी। दोस्तों, अगर आपने आंसर दिया है फारसी तो बिल्कुल सही। हिंदी शब्द जो है वो फारसी भाषा से लिया गया है और दोस्तों हिंदी का जो अर्थ होता है वो हिंद का होता है। ठीक है दोस्तों, हिंदी का अर्थ है हिंद का। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर टू है भाषा का प्राथमिक रूप है। ए सांकेतिक, बी मौखिक, सी व्याकरणिक, डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, अगर आपने आंसर दिया है बी नंबर ऑप्शन तो बिल्कुल सही। भाषा का प्राथमिक रूप मौखिक होता है। दोस्तों, हम लोग अपने जीवन में सबसे पहले मौखिक भाषा का प्रयोग करना सीखते हैं, इसलिए दोस्तों मौखिक भाषा जो होती है वो भाषा का प्राथमिक रूप या मूल रूप कहलाती है। क्वेश्चन नंबर थ्री है भाषा साधन है। ए ज्ञान का, बी बोलने का, सी लिखने का, डी अभिव्यक्त का। दोस्तों, अगर आपने आंसर दिया है डी नंबर तो बिल्कुल सही। भाषा एक अभिव्यक्त करने का साधन है। भाषा के माध्यम से हम अपने विचारों को अभिव्यक्त करते हैं। भाषा के माध्यम से ही हम चिंतन करना सीखते हैं। दोस्तों, वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा ऐसा साधन है जिसमें बच्चे जो हैं भाषा का प्रयोग एक औजार के रूप में करते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर है हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। ए सौराष्ट्री, बी गुरुमुखी, सी देवनागरी, डी ब्राह्मी। दोस्तों, हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, ये आप सभी लोगों का मालूम है। ठीक है दोस्तों, तो इसका सी नंबर ऑप्शन सही होगा। दोस्तों, लिपि क्या होता है। लिपि द्वारा दोस्तों किसी भी भाषा को स्थायी या लिखित रूप देने के लिए जिन लिखित संकेतों या चिन्हों का प्रयोग किया जाता है लिपि कहलाती है। दोस्तों, हिंदी भाषा की जो देवनागरी लिपि होती है वो बाएं से दाएं होती है। ठीक है दोस्तों, जैसे हमने लिखा राम। ठीक है दोस्तों, क्या लिखा राम, तो हमने कहाँ से लिखा बाएं, फिर कहाँ की ओर चले दाएं। तो हिंदी भाषा में देवनागरी लिपि जो होती है बाएं से दाएं ओर लिखी जाती है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर फाइव है हिंदी की आदि जननी। हिंदी की आदि जननी है ए संस्कृत, बी पाली, सी अपभ्रंश, डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, अगर आपने आंसर दिया है ए नंबर तो बिल्कुल सही। हिंदी की आदि जननी संस्कृत को माना जाता है। दोस्तों, हिंदी की आदि जननी संस्कृत है और संस्कृत जो है पाली, पाली से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश। अपभ्रंश का जो भेद है दोस्तों सौर सैनी। ठीक है दोस्तों, अपभ्रंश का ये भेद है सौर सैनी अपभ्रंश। सौर सैनी अपभ्रंश से हिंदी भाषा की उत्पत्ति होती है। दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो इसको इस तरीके से याद रखिएगा कि संस्कृत से पाली और पाली से प्राकृत। ठीक है दोस्तों, और प्राकृत से अपभ्रंश। और दोस्तों, अपभ्रंश का जो भेद है वो सौर सैनी अपभ्रंश। ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, सौर सैनी अपभ्रंश। सौर सैनी अपभ्रंश से ही दोस्तों हिंदी की खड़ी बोली का जो है विकास हुआ, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्तों, इसमें से कभी कभी क्वेश्चन किस टाइप से पूछ लेता है उसको समझ लीजिए। दोस्तों, कभी कभी पूछ लेता है हिंदी की खड़ी बोली का विकास किस अपभ्रंश से हुआ, तो सौर सैनी अपभ्रंश से। और दोस्तों, कभी कभी ये पूछ लेता है कि हिंदी भाषा का जन्म किससे हुआ है, तो दोस्तों अगर सौर सैनी अपभ्रंश ऑप्शन नहीं दिया है और अपभ्रंश दिया है तो आप अपभ्रंश पे टिक लगाएंगे। अगर दोनों ऑप्शन दिए हैं अपभ्रंश और सौर सैनी अपभ्रंश तो आप टिक सौर सैनी अपभ्रंश पे लगाएंगे। ठीक है दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो दोस्तों, ये ए नंबर ऑप्शन आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर सिक्स है भाषा शब्द संस्कृत के किस धातु से बना है। ए भास, बी भास, सी भास, डी भाष्य। दोस्तों, अगर आपने आंसर दिया है बी नंबर ऑप्शन तो बिल्कुल सही। भाषा शब्द संस्कृत के भास धातु से बना है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर सेवन है हिंदी भाषा का जन्म हुआ है। ए लौकिक संस्कृत, बी वैदिक संस्कृत, सी अपभ्रंश, डी पाली प्राकृत से।
दोस्तों हिंदी भाषा का जन्म अपभ्रंश से माना जाता है, इसका सी नंबर ऑप्शन सही होगा। दोस्तों हिंदी भाषा की आदि जननी संस्कृत है, जो कि संस्कृत पाली से होते हुए प्राकृत और प्राकृत से होते हुए अपभ्रंश तक पहुंचती है। और दोस्तों इस प्रकार से अपभ्रंश से ही हिंदी भाषा का जन्म होता है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 है, हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है, ये बताना है। ए मागधी, बी ब्रांचड़, सी अर्धमागधी, डी सौर सैनी। दोस्तों हिंदी खड़ी बोली सौर सैनी अपभ्रंश से विकसित हुई है, इसका डी नंबर ऑप्शन सही होगा। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 है, हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय कब लिया गया। ए 10 जनवरी 1949, बी 14 सितंबर 1949, सी 26 जनवरी 1950, डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों अगर आपने आंसर दिया है बी नंबर ऑप्शन तो बिल्कुल सही, हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय 14 सितंबर 1949 को लिया गया। दोस्तों इसी कारण 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, विश्व, दोस्तों यहाँ पे विश्व आया है, इसको ध्यान रखिएगा। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। ए 14 सितंबर को, बी 10 जनवरी को, सी 12 जनवरी को, डी 12 सितंबर को। तो दोस्तों अगर आपने आंसर दिया है बी नंबर ऑप्शन तो बिल्कुल सही, विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है, जबकि दोस्तों 14 सितंबर 1949 को हिंदी भाषा को राजभाषा के रूप में अपनाया गया था, इसलिए 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है, और जबकि विश्व हिंदी दिवस दोस्तों 10 जनवरी को मनाया जाता है, ये ध्यान रखिएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं। दोस्तों अगर आपने आंसर दिया है डी नंबर ऑप्शन तो बिल्कुल सही, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्तमान में दोस्तों 22 भाषाएं हैं। तो 8वीं अनुसूची में सबसे पहले 14 भाषाएं थी, बाद में 21वां संविधान संशोधन 1968 में किया गया, जिससे एक भाषा सिंधी भाषा को जोड़ा गया, इससे इस प्रकार से दोस्तों 15 भाषाएं हो गई। बाद में दोस्तों 71वां संविधान संशोधन 1992 में किया गया, जिसमें कोंकणी, नेपाली और मणिपुर भाषाओं को जोड़ा गया। और दोस्तों इसके बाद 92वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003, 92वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा मैथिली, संथाली, बोडो, डोगरी को शामिल किया। इस प्रकार से दोस्तों 22 भाषाएं हो गई। ठीक है दोस्तों, तो इसका डी नंबर ऑप्शन सही होगा। दोस्तों यहाँ से कभी कभी क्वेश्चन पुटअप कर लेता है कि 92वें संविधान संशोधन 2003 द्वारा कितनी भाषाओं को जोड़ा गया। ठीक है दोस्तों, तो इनको भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, भाषा के आधार पर सर्वप्रथम गठित होने वाले राज्य का नाम क्या है। ए आंध्र प्रदेश, बी जम्मू कश्मीर, सी पंजाब, डी राजस्थान। दोस्तों अगर आपने आंसर दिया है ए नंबर ऑप्शन तो बिल्कुल सही, भाषा के आधार पर सर्वप्रथम गठित होने वाले राज्य का नाम आंध्र प्रदेश है। दोस्तों इसे 1 अक्टूबर, ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये डेट भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, 1 अक्टूबर 1953 को जो है भाषा के आधार पर जो है आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किया गया। और दोस्तों मोस्टली यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसको ध्यान रखिएगा। नंबर 13 है, वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप है। ए देवनागरी, बी अवधी, सी खड़ी बोली, डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों हम लोग जो सामान्य हिंदी भाषा बोलते हैं वो खड़ी बोली होती है। ठीक है दोस्तों, तो वर्तमान में जो हिंदी का प्रचलित रूप है वो खड़ी बोली है, इसका सी नंबर ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, हिंदी भाषा का संबंध किससे है। ए अपभ्रंश से, बी सौर सैनी अपभ्रंश से, सी प्राकृत से, डी पश्चिमी प्रकृत से। दोस्तों अगर आपने आंसर दिया है बी नंबर ऑप्शन तो बिल्कुल सही, हिंदी भाषा का संबंध अपभ्रंश के भेद सौर सैनी अपभ्रंश से है। ठीक है दोस्तों, सौर सैनी अपभ्रंश से कितनी भाषाओं की उत्पत्ति हुई तो उसको भी देख लीजिए दोस्तों, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन पुटअप होते हैं। ठीक है दोस्तों, सौर सैनी अपभ्रंश से पश्चिमी हिंदी भाषा, दूसरी दोस्तों गुजराती है, और तीसरी राजस्थानी, इन तीन भाषाओं की उत्पत्ति हुई है, ये ध्यान रखिएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इसका बी नंबर ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से आर्य भाषा परिवार की भाषा नहीं है। आर्य भाषा परिवार की कौन सी भाषा नहीं है। ए संस्कृत, बी हिंदी, सी लैटिन, डी प्राकृत। दोस्तों संस्कृत, हिंदी और प्राकृत ये आर्य भाषा परिवार की भाषा हैं, जबकि लैटिन जो भाषा है वो आर्य भाषा परिवार की भाषा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 16 है,
निम्न में किस भाषा का विकास सौर सैन्य अभ्रंश से हुआ है? ए मराठी, बी गुजराती, सी सिंधी, डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों अगर आपने आंसर दिया है बी नंबर ऑप्शन तो बिल्कुल सही, गुजराती भाषा का जो विकास है सौर सैन्य अभ्रंश से हुआ है। दोस्तों सौर सैन्य अभ्रंश से पश्चिमी हिंदी, गुजराती और राजस्थानी इन तीन भाषाओं का विकास हुआ है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 17 है हिंदी भाषा का विकास का सही क्रम है। दोस्तों इसमें बताना है कि विकास का कौन सा सही क्रम है। ठीक है दोस्तों, तो आंसर दीजिए। अगर आपने आंसर दिया है ए नंबर तो बिल्कुल सही, हिंदी भाषा का जो विकास है दोस्तों पाली से प्राकृति, प्राकृत से फिर अभ्रंश और अभ्रंश से दोस्तों अभ्रंश के सौर सैनी अभ्रंश से हिंदी भाषा का विकास हुआ। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 18 है भाषा की अभिव्यक्ति के कौन कौन से रूप हैं? ए मौखिक, बी लिखित, सी मौखिक और लिखित दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों भाषा की अभिव्यक्ति के जो रूप हैं वो मौखिक और लिखित दोनों होंगे। किसी भी चीज के बारे में, किसी भी विषय वस्तु के बारे में अगर हमें बताना है तो साधारण रूप से बोलचाल के द्वारा बता सकते हैं, या किसी को भी दोस्तों संदेश देना है किसी के बारे में, किसी विषय वस्तु के बारे में बताना है तो हम लिखित के माध्यम से लिखकर भी जो है दोस्तों भाषा की अभिव्यक्ति कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से ये सी नंबर ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 19 है अभ्रंश के प्रथम कवि कौन थे? ए हेमचंद्र, बी रामचंद्र, सी सोमप्रभ सूरी, डी स्वयंभू। दोस्तों अगर आपने आंसर दिया है डी नंबर ऑप्शन तो बिल्कुल सही, अभ्रंश के प्रथम कवि स्वयंभू थे। दोस्तों इनको अभ्रंश का वाल्मीकि भी कहा जाता है। दोस्तों साथ ही साथ ये ध्यान रखिएगा कि अपभ्रंश शब्द का जो प्रयोग सर्वप्रथम किया वो पतंजलि जी ने किया। किसने किया? पतंजलि जी ने। तो ये भी ध्यान रखिए, ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 20 है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया? कौन सा अनुच्छेद है जिसमें हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया? आंसर दीजिए दोस्तों। अगर आपने आंसर दिया है बी नंबर तो बिल्कुल सही, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 में हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया। दोस्तों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक, दोस्तों ये ध्यान रखिएगा 343 से 351 तक राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख मिलता है। ठीक है दोस्तों, दोस्तों इस प्रकार से हम लोगों ने 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस लगाए। दोस्तों वीडियो कैसा लगा इसके बारे में आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर भेजें, और दोस्तों जितना हो सके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।